कमीशन सर। आई बैठे रविकांत जी सर। कहीं जॉब में हैं आप? जी नहीं। 2012 से आप तैयारी कर रहे हैं? जी 2012 से नहीं कर रहे सर, 2020 से। 2012 को मेरा सर ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद सर हम कोचिंग चलाते थे, उसे पढ़ाते थे। अच्छा जी, किस चीज़ की कोचिंग? प्रतियोगी परीक्षाओं का सर। अच्छा, तो उसमें टीचिंग करते थे? जी हाँ। अच्छा, तो बंद कर दिया उसको? हाँ सर, वो कोरोना के समय 2020 में जो पीपल्स गैदरिंग पे प्रोविजन हो गया, तो फिर मैं तैयारी के लिए सर उसके साथ तैयारी करता था सर, लेकिन रेगुलर नहीं था, ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। लेकिन 2020 के बाद मैं दिल्ली आया। कहाँ आपकी कोचिंग थी? ये वाराणसी में थी सर, चौबेपुर में। तो करीब करीब 8 साल आपने काम किया उसमें? जी हाँ। कोचिंग नहीं सर, 8 साल नहीं, 2014 से किया था। 2014 से? जी हाँ। कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों को? सर कोचिंग की मेनली ज़रूरत इसलिए होती है कि गाइडेंस के लिए जो, और एक चीज़ है कि वो एक प्रकार से दूसरे पे निर्भरता ज़्यादा दर्शाते हैं कि वहाँ से मटेरियल्स मिल जाएंगे, दिशा निर्देश मिल जाएंगे, तो इसलिए वो कोचिंग के लिए ज़्यादा। क्या ऐसा माना जाए कि हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का स्तर गिर गया है, इसलिए कोचिंग ज़्यादा फ्लरिश कर रही है? सर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और कोचिंग दोनों में अगर सर तुलना देखें तो एक तरह से सर स्कूल की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो सर थोड़ा कंपटिटिवली सही नहीं है सर, तो इस हिसाब से। और दूसरी बात है कि जो स्कूलों में आमतौर पर क्या होता है कि जब टीचर सर पढ़ाते हैं तो वो एक तरह से आग्रह करते हैं, एक तरह से मतलब कि आप मतलब कोचिंग करने के लिए वो तमाम, जैसे हाई स्कूल और इंटर के बच्चे होते हैं तो वहीं पढ़ रहे हैं उन्हीं टीचर से, फिर जाके कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सर एक अलग होता है तैयारी का। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा में जो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्तर खराब हुआ है जी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है स्कूली शिक्षा की? जी स्कूली शिक्षा में सर उत्तर प्रदेश का जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है सर। अगर सर हम देखें तो जो स्कूली शिक्षा का मेन कमी है वो जो सर मुख्य रूप से जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे सर बच्चों का जो नामांकन दर है और स्कूलों में जो पढ़ाई की जो का जो माहौल है, ये तमाम चीज़ों को अगर सर मद्देनजर देखें तो वहाँ पे अभी सर पिछड़ापन काफ़ी नज़र आता है। जैसे सर हमारे सरकारी स्कूल समय के साथ जो है प्रौद्योगिकी सक्षम नहीं हो पाए हैं उतना अपने आप को। आपको लगता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था उसमें कुछ मेजर स्ट्रक्चरल कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? सर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है सर, उसमें सर सॉरी उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं, तो उस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। रविकांत आप ये बताएं कि एक अच्छे सिविल एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर सबसे जो मुख्य गुण होने चाहिए वो उसके अंदर सर ईमानदारी होनी चाहिए और सर एक संवेदनशील व्यक्तित्व होना चाहिए और दूसरा सर परिस्थितियों को सामंजस्य बैठाने, परिस्थितियों के सामंजस्य बैठाने को उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा सर उसके अंदर सर त्वरित निर्णय लेने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये बताएं कि हम लोग देखते हैं कि जो फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट करना पड़ता है जी हाँ। तो उसको इंटरेक्शन को किस तरह से आप निर्धारित करेंगे या कोई प्रोटोकॉल अगर कैसे करेंगे कैसे? सर मेन जो होता है जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसे शासन के अंदर ही काम करना पड़ता है, तो जिसमें पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप देखा जाता है। लेकिन सर और अधिकतर ये भी देखा जाता है हमारे में ब्यूरो केसी में कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन सर जो अगर हम देखें सिविल सर्वेंट को तो उसके पास कुछ संहिताएं हैं जिसके आधार पर, जैसे तो पॉलिटिशियंस अगर अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं सर वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी सर वो किसी निजी फायदे के लिए या फिर किसी मुद्दे पर केवल अपने हित के लिए ऐसे इस आधार पर कार्य कराते हैं सर। अच्छा, अपने पर्सनल बेनिफिट के। जी हाँ जी। लेकिन जो जनता का मुद्दा है उसको लेके अगर एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते हैं तो उस पर उनको तवज्जो देना चाहिए उनको, मतलब जो है जी हमें जनता के देना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि तो फिर
अच्छा, जो अपोजिशन एमएलए हैं उनसे इंटरेक्शन कैसे होगा सर? उसका क्या प्रोटोकॉल होगा अपोजिशन एमएलए से? हाँ, उनके साथ क्या किस तरह से इंटरेक्शन करना है सर? उनके इंस्ट्रक्शन के समय सर बिल्कुल जनता की तरह ही उनसे भी इंटरेक्ट होना है। मतलब किसी पद या प्रतिष्ठा या फिर किसी भी उसमें आके हमें ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं जो कि किसी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट करे आम लोगों में और एक जो कि पद या सत्ता पे या पद पे है किसी। तो इसमें मैं और क्लियर कर रहा हूँ, जैसे आपको किसी मुद्दे पे जो आपके रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और जो अपोजिशन के एमएलए हैं सबसे मिलना है, तो कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे? रूलिंग पार्टी को या फिर एक और मैं कहता हूँ, सपोज आपके सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल इंसिडेंट हो गया है, काफी तनाव है, तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, उनको किस तरह से हैंडल करेंगे? दो अक्सर किसी मुद्दे पे दोनों लोग के अलग अलग तनाव, कम्युनल तनाव है। जी हाँ, तो आप दोनों लोग से सर बारी बारी सर हम संवाद स्थापित करेंगे और जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं, जो मतलब कि तनाव के बिंदु हैं, उन पे सर बात करेंगे और विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उससे संबंधित लेकर उस पर हम आश्वासन देंगे। इसका मतलब है कि जो सजेशन है जो अपोजिशन एमएलए का हो या रूलिंग एमएलए का हो सभी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर वो तो इसका मतलब कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सारे पॉलिटिशियन बराबर है। जी हाँ, मेडिकल टूरिज्म जी क्या है सर? मेडिकल टूरिज्म एक नया विकसित एक सर टूरिज्म का एक नया क्षेत्र है जिसमें सर जो आउट जो दूसरे देशों से लोग अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अन्य देशों में प्रवास करते हैं या फिर मतलब यात्रा करते हैं। जैसे सर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का मेडिकल टूरिज्म काफ़ी इस समय रिच है। जैसे लोग अमूमन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऐसे जगहों से भारत में चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आते हैं और सर यहाँ पे मेडिकल और सर इस मामले में जो चेन्नई है वहाँ पे नेत्र चिकित्सा के लिए भी बहुत लोग आते हैं सर मेडिकल। तो ऐसा वो क्यों आते हैं? हमारे यहाँ क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट है या चीप? सर सस्ता है सर। सस्ता है जी हाँ, और क्वालिटी भी है सर। क्वालिटी भी है जी हाँ। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर और भी काम किया जा सकता है और भारत में और भी कई क्षेत्र हैं जहां मेडिकल टूरिज्म बेहतर डेवलप किया जा सकता है? जी हाँ, जैसे सर जैसे अभी आपने दो देशों का नाम लिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज का भी देखा, तो ये वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया के लिए तो ठीक है, ईस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया को भी मेडिकल टूरिज्म के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, जैसे वो नेपाल है, भूटान है, यहाँ से भी लोग बहुत ज्यादा प्रवासन का आते हैं। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सर वैसे देखें तो अधिकतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं साउथ ईस्टर्न के वो अच्छे हैं सर। वहां से उतना सर प्रवासन नहीं होता है लेकिन सर वियतनाम, इंडोनेशिया ऐसे देशों से लोग आते हैं, तो सर उसको भी ध्यान में रखकर सर किया जा सकता है। अच्छा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो हमारे संविधान का एक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर सर जो केंद्र की सरकार और जो राज्य की क्षेत्रीय सरकार होती है उनके बीच बेहतर सामंजस्य बैठा के कार्य करने पर ध्यान दिया जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है सर ये एक नया टर्म है जिसमें सर एक प्रकार से एक राज्य सेम पद पे विकासशील राज्य हैं वो एक दूसरे का सहयोग के आधार पे आगे बढ़ने के लिए और इसमें सर केंद्र के साथ भी सहयोग अपेक्षित है। कॉम्पिटिटिव में सर सहयोग तो कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव जी हाँ, और कॉम्पिटिटिव में सर ये एक नया टर्म है जिसमें सर विकास के मुद्दे सर इसको स्लिप कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। आप सहमत हैं इस बात से कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए सर? इससे क्या फायदा होगा? इससे सर एक स्वस्थ विकास की प्रक्रिया देखी जाती है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। मान लीजिए वैक्सीन जो पेंडेमिक चल रहा था जी, मान लीजिए महाराष्ट्र चीप प्राइस पर जी यूके से जी, वैक्सीन इंपोर्ट कर लेता जी और बिहार नहीं कर पाता जी, तो आप इसे ठीक समझते?
या हायर प्राइस पर ही वो कर लेता और बिहार में उसका वितरण नहीं हो पाता क्योंकि बिहार एफोर्ड नहीं कर पाता उतना हायर प्राइस पर, या कोई दूसरा प्रदेश उतना हायर प्राइस पर वो वैक्सीन इंपोर्ट नहीं कर पाता जी। तो इस तरह का डेवलपमेंट को स्वीकार करेंगे आप? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए सर। तो ये सर जो ऐसे मुद्दों पे सर वो केंद्र सरकार का दायित्व होता है। ऐसा हुआ था इस तरह, इससे कुछ मिलता जुलता हुआ था वैक्सीन डिप्लोमेसी में, या वैक्सीन जब हम इंपोर्ट कर रहे थे? नहीं सर, हमको कोविड के समय में नहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था और सेंटर इंटरवीन भी की थी। जी सर जी, याद आ रहा है कुछ? नहीं सर, उस समय का जानकारी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सहकारी और प्रतिस्पर्धी, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव, ऐसा है कि स्टेटमेंट कहा जाता है कि जब सहकारी संघवाद है उसमें प्रतिस्पर्धा डाल दे तो सहकारिता समाप्त हो जाएगी जी। दोनों परस्पर विरोधी कॉन्सेप्ट नहीं है सर? प्रतिस्पर्धा नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। जैसे सर, मानक कैसे तय करेंगे हम भारत जैसे देश में? भारत जैसे देश में जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की सरकारें हैं तो ये प्रतिस्पर्धा अमूमन सर नकारात्मक अर्थ में ही चली जाती है। लेकिन सर इसके लिए सर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और कोई ऐसा मानक है जिसमें तय करते हैं हम कि ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो रहा है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? दिनों दिन तो ऐसा लग रहा है कि राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। जी सर जी हाँ, इस दृष्टिकोण से, इस दृष्टि में हम कह सकते हैं कि ये जो एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो अपने नकारात्मक रूप में ही देखी जाए। जी, नकारात्मक रूप में है। जी हाँ ठीक है रविकांत, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो लास्ट में आंसर दिया जी सर, ये नहीं होना चाहिए स्टैंड। अच्छा, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नकारात्मक रूप में है, बहुत स्ट्रेट अवे इसका आंसर है। जी सर, सरकार जो चाहते हैं तो परस्पर विरोधी लगते हैं जी, लेकिन सरकार का मानना यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉलिसी मेकिंग में है जी हाँ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। जैसे नीति आयोग है कि नीति आयोग में सारे राज्य है नीति बनाने में जी, वहां पर सहकारिता है नीति बनाने में जी सर, और जहां आर्थिक समृद्धि की बात आ रही है जी, वहां पर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि वाई नॉट बिहार शुड ग्रो लाइक गुजरात जी सर। इसलिए ये कहा जाएगा कि दोनों परस्पर विरोधी लगते हुए भी विरोधी है नहीं जी सर, दोनों के अलग अलग डायमेंशन जी सर, है ना, स्टैंड नहीं बदलना है। जी सर, स्टैंड का मतलब सर जैसे कि जब मतलब कोई चीज पे हम दिमाग सर काम कर रहा है, जैसे पहले से अगर चीजें वही है जो हमें पहले से हमने पढ़ा है, अब यहाँ पे सर कोई चीज बनाने में, ओपिनियन बनाने में थोड़ा सर जैसे ब्लैंक हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ जी सर। और जी सर बेसिक्स पर चले जाइए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि पॉलिसी मेकिंग में जहां तक की बात है वहां आप जी वहाँ कोऑपरेटिव कीजिए, और जब उसको इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं जी सर, तो एस्पिरेशनल जिसको कहते हैं जी सर, तो उसमें आप कॉम्पिटिटिव हो जाइए जी सर। अब इस बीच प्रश्न आ गया दवा की जी सर, वैक्सीन की, लाइफ सेविंग पैंडेमिक, उसको आप एक्सेप्शन कर दीजिए। हेल्थ इश्यूज ये है, इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक ही दाम पर या कम दाम पर, रैशनलाइज दाम पर वो सभी को मुहैया कराएगा जी सर। तो हेल्थ, एजुकेशन, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एक्सेप्शन कर सकते हैं। तो तरीका यही होता है, स्केप रूट ये होता है, इंस्टेड कि आप कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति ना। सर एक बात और बताएं, जैसे कि मतलब कॉम्पिटिटिव और ये कोऑपरेटिव है, इसमें सर हम बेसिक चीज ही मान लीजिए नहीं जानते हैं तो कोई हम बना नहीं पाते राय, तो फिर आप बना करें, मैं नहीं जानता। अच्छा सर, तो बिल्कुल इसके बारे में मैंने गहन तरीके से नहीं सोचा। अच्छा अच्छा सर, इंस्टेड की कब हाँ सर वो हो जाएगा फिर इधर ये हो जाएगा, इसके बारे में मैंने गहन तरीके से नहीं सोचा है बस। और कभी कभी सर होता है जैसे कि आ रहा है बताने के लिए शुरू किए, नहीं बचना है उसको, अवॉइड करने की जरूरत है, बचना, बीच में रुकना नहीं चाहिए आंसर जी हाँ।
ऐसा नहीं लगे कि शुरुआत किया फिर रोक दिया जी, उससे अच्छा है कि पहले तय कर लिया जाए कि नहीं मैं इसमें ज्यादा बोल नहीं सकता तो विड्रॉ कर लेना है, ज्यादा सेफ रहे, थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन करें जी, अपने बैठ के जो इश्यूज हैं उसके बारे में 11 को है ना, चार पॉइंट बोलने का कि उसको क्या लॉजिक, 11 को है सर, ये चार दिन तो है ही, तो सर इन चार दिन में क्या किया जाना चाहिए सर, प्रैक्टिस करें मेंटल प्रैक्टिस, दिमाग को चलाएं जी, दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा है या जो हम लोगों ने यहाँ पूछा जी उसको फ्रेम करना, अपना आंसर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, बाकी क्वेश्चन तो वेरिएबल होंगे ही, हमने कुछ और पूछा वहाँ कुछ और पूछा, जिस पे सर कोई राय नहीं बना पा रहे, थोड़ा 2 मिनट सर, 10 सेकंड सर चुप होके, फिर भी अगर नहीं कर पा रहे तो कर देंगे जी सर, जब जाएगा सर मैं सोच नहीं पा रहा जी सर, जैसे सर कहीं मतलब हम पेपर के थ्रू ऐसे जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है ये पेपर ऊपर के थ्रू ही मैंने उसको पढ़ा तो इसलिए सर, हाँ जी, तो बेसिक कभी सोचिएगा ना, चाय पी पे सोच रहे हैं कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो एक फर्म ओपिनियन आपका बन जाएगा जी, क्या थैंक यू सर, थैंक यू।